भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम से भेजे गए पूजित अक्षत कलश को लेकर नगर में भगवान राम के दिव्य दरबार के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का संचालन नगर कार्यवाहक मोहन चौहान ने किया। घिरोर में अक्षत यात्रा कशवा के नाहली रोड स्थित देवी मंदिर से प्रारंभ होकर नाहली तराई करहल तराया से वापस होती हुई पुनः नाहली रोड देवी मंदिर तक पहुंची। यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अक्षत कलश यात्रा की पूजा अर्चना शहनगर संचालक दाऊदयाल वर्मा ने कर शुभारम्भ किया। पंडित जयदेव दीक्षित और पंडित सचिन दुबे के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। संघ और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवकों द्वारा राम स्तुति की गई। महिलाओं और सभी भक्तों ने आरती उतार कर अक्षत कलश की पूजा अर्चना की। साथ ही अक्षत कलश यात्रा में आए सभी लोगों ने पीले वस्त्र धारण कर सर पर कलश रखकर भ्रमण किया। पुरुषों में भी कलश रखने की होड़ रही। यात्रा में जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। यात्रा की झलक देखने के लिए लोग सड़क पर दौड़ रहे थे, वही लोग यात्रा में सेल्फी ले रहे थे। इस अवसर पर श्वेता जैन, सुषमा चौहान, सपना शर्मा, कीर्ति अग्रवाल, दीपा गुप्ता, कशिश गुप्ता, पलक गर्ग, सुषमा सिंह, उर्मिला चौहान, जिला कार्यवाहक सचिंद्र सिंह, सतवीर शर्मा, शिवम गर्ग, चेयरमैन यतीन्द्र जैन, गोविंद भदौरिया, ब्लॉक प्रमुख सतपाल सिंह यादव, यतीन्द्र जैन, अंजेश प्रताप, सर्वेश गुप्ता, अशोक चौहान, फौजी कन्हैया दीक्षित, शिवा जैन आदि लोग उपस्थित रहे। आइए हम खबर के जरिए आपको आगे भी दिखाते हैं किस तरह से भ्रमण किया गया, किस तरह से लोग जो है एकत्रित हुए यात्रा के दौरान आपको देखने को मिले। आगे भी आप पूरी खबर देखिए। प्रिय दर्शकों, अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।